हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज श्रद्धाज लाइव। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है गुरुवार यानी थर्सडे, तो आज है उनका हॉलीडे। वैसे वो वीकली कभी भी लीव ले सकते हैं, हॉलीडे रहता है उनका वीकली हॉलीडे, तो उन्होंने आज थर्सडे को लिया हुआ है लीव। सो यहाँ पर हम बना रहे थे नाश्ता और खाना। मेरे जो हस्बैंड हैं वो नाश्ता बना रहे थे और मैं खाना बना रही थी यहाँ पे, और मैं आटा गूंद रही थी साइड में। आज का मॉर्निंग शेड्यूल हॉलीडे था बट थोड़ा सा बिजी था, और यहाँ मैंने आटा गूंद के ढक दिया है, और ढक के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूंगी इसे ताकि अच्छे से भीग जाए आटा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं बना रही थी खाना और नाश्ता हम बना रहे थे इतना जल्दी जल्दी, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट थी भैया की, 9 बजे भैया को ड्यूटी जाना था यानी मेरे देवर जी को, इसलिए हम जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे और नाश्ता भी बन रहा था साथ में, जो कि मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी हेल्प करते जा रहे थे। जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ आज वो है आलू की, मसाले आलू की सब्ज़ी। तो जो आलू है उसे मैंने बॉईल कर लिया है अच्छे से, और इसे मैं यहाँ पर मैश कर रही थी, तो यहाँ ऑलमोस्ट मैश करके भी हो गया है। और इसके बाद में देख सकते हैं आप, एक तरफ मेरे हस्बैंड सब्ज़ी भी फ्राई कर रहे थे और पोहे का भी फ्राई कर रहे थे, तो ये है सब्ज़ी और साइड में थे पोहे, जो पोहे के लिए फ्राई कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर जो पोहे हैं उसे मैंने अच्छे से भिगो लिया है, और भिगोने के बाद में मैं डाल दूंगी पोहे, और इन्हें भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी प्रॉपरली। और दूसरे साइड में बन रही सब्ज़ी जिससे कि जिसे मेरे हस्बैंड बना रहे थे, थोड़ा सा देख रहे थे, एक्चुअली बना मैं ही रही थी बट वो थोड़ी हेल्प करते जा रहे थे मेरी यहाँ पर। वैसे जो मेरे हस्बैंड हैं मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं जिस दिन उनको हॉलीडे होता है, छुट्टी होती है, और मम्मी भी करती है हेल्प मेरी, बट मम्मी दूसरे काम करने में थोड़ा बिज़ी रहती हैं तो उनकी हेल्प मुझे नहीं इतनी मिल पाती है। यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते हैं मेरी, तो वही बस कर रहे थे हम लोग दोनों मिलकर, फटाफट से नाश्ता और खाना बना ले रहे थे ताकि हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर ये है दूध जो कि डीप फ्रीज़र में रख दिया था मम्मी ने, तो पूरा बर्फ़ बन गया है ये। मैं चाय बनाने के लिए जब निकालने गई तो पूरा बर्फ़ था और ये दूध निकल नहीं रहा था, इसलिए देख सकते हैं आप पूरा बर्फ़ बन गया है ये दूध। तो इसे मैं पहले गर्म कर लूँगी, उसके बाद में मैं बनाऊँगी चाय नाश्ते के लिए। और यहाँ पर हम इतना जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे थे फ्रेंड्स क्योंकि हमें जाना था मम्मी के यहाँ। हमने बताया नहीं, मम्मी को इन्फॉर्म नहीं किया है कि मम्मी के यहाँ हम जाने वाले हैं, बट हम मम्मी के यहाँ जाने वाले थे, तो इसीलिए हम बस जल्दी जल्दी काम कर ले रहे थे, निपटा ले रहे थे। उसके बाद में 12-1 बजे के बाद हम जाने वाले हैं मम्मी के यहाँ, और आज है थर्सडे तो मुझे पूजा करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनकी हेल्प से अपना काम कर ले रही थी जल्दी जल्दी। तो आज मेरी मम्मी के लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ होने वाला है, मम्मी पापा भैया तीनों के लिए। यहाँ पर नाश्ता और सब्ज़ी बन चुकी है और मैं बनाऊंगी रोटियाँ। रोटियाँ मैं इसलिए जल्दी बना रही थी, नाश्ता करने के पहले ही मैं रोटियाँ बना रही थी क्योंकि भैया को जाना था ऑफिस और टिफ़िन लेके जाना था उन्हें, तो टिफ़िन में मुझे रोटियाँ देनी थी, इसलिए मैं रोटी और सब्ज़ी पहले बना ले रही थी, फिर चावल मैं बाद में चढ़ा दूँगी। और साइड में मैंने चाय रख दिया था, तो चाय भी बन रही थी यानी दूध गर्म हो रहा था एक्चुअली, उसके बाद बनाने वाली हूँ चाय। और ये देखिए मेरे देवर जी जो कि नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ देखते भी जा रहे हैं उन्हें। और यहाँ पे रोटियाँ मैं पूरी नहीं डालने वाली हूँ, रोटियाँ मैं बस कुछ 6-7 रोटियाँ ही डालूँगी जितनी टिफ़िन में जाएगी उतनी। उसके बाद में हम करेंगे नाश्ता, एक्चुअली रोटियाँ बनाने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगी तो नाश्ता मैं आराम से कर पाऊँगी और सब लोग नाश्ता आराम से कर पाएंगे, इसलिए मैं पहले रोटी बना रही थी, उसके बाद में करेंगे हम नाश्ता। तो यहाँ
रोटियां बनाकर होने के बाद जो चाय है उसे मैं छान ले रही हूँ। और दो बड़े कप हैं यहाँ पे, एक मेरे हस्बैंड का और मेरा, और छोटे कप है मम्मी और पापा के। भैया तो चले गए हैं ड्यूटी, तो मैं और मेरे हस्बैंड मोस्टली बड़े कप में ही चाय पीते हैं। वैसे छोटे कप में भी पीते हैं, बट कभी कभी हम ज़्यादातर बड़े कप में ही पीना पसंद करते हैं। तो चलिए करते हैं नाश्ता। ये देखिए नाश्ता रेडी है, चार प्लेट मैंने लगा लिया है नाश्ता, मम्मी पापा मैं और मेरे हस्बैंड के लिए, और चार कप है चाय। तो यहाँ कुहू भी है, बट कुहू तो अभी नाश्ता करती नहीं है। तो मॉर्निंग का आज कुछ ऐसा शेड्यूल बहुत हेक्टिक वाला था, बट जैसा भी था मैंने शूट करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया है। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों का भी ऐसा ही कभी कभी शेड्यूल जो है बिज़ी बिज़ी होता है। मेरा तो हो जाता है कभी कभी बिज़ी, क्योंकि ड्यूटी होती है छोटे भैया की, कभी मेरे हस्बैंड की होती है, तो बहुत जल्दी जल्दी से करना होता है, तो बहुत बिज़ी बिज़ी हो जाता है शेड्यूल। तो ये सारे काम करने के बाद, लेकिन मैं बहुत ना आराम से नाश्ता कर रही थी। यहाँ भले ही मैंने आपको स्पीड में दिखाया है, बट मैं बहुत आराम से नाश्ता कर रही थी और एकदम शांति से रिलैक्स होके कर रही थी। और मैं कुहू के साथ थोड़ा सा खेल भी रहे थे हम लोग। और यहाँ पर नाश्ता करते करते भैया आए हुए थे, एक आंटी है, उन्होंने अपने बेटे को भेजा था। उनको मैंने पिको फॉल करने के लिए साड़ियाँ दी हुई थी मेरी कुछ, तो वही साड़ियाँ उन्होंने मुझे वापस ला के दी थी। काफ़ी अच्छा पिको फॉल कर लेती हैं वो आंटी, तो मैं उन्हें ही देती हूँ अपनी साड़ियाँ। और यहाँ पर नाश्ता होने के बाद में मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। और ये देखो यहाँ पर मेरी और मेरी बेटी की मस्ती, जो कि बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग, और बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर हो गई है अभी मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग गई है। सो हम हो गए यहाँ पर रेडी। देखिए हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पर, सरप्राइजिंगली जा रहे हैं। यहाँ पर हम रेडी हो गए थे मम्मी के यहाँ जाने के लिए, और मैं बाहर का वेदर शूट कर रही थी थोड़ा सा। और देखिए फ्रेंड्स, वो जो देख रही थी दीदी, वो एक्चुअली मेरे साइड में ही रहती है और हाय बोल रही थी। गुस्सा गुस्सा, इतना गुस्सा, रेडी हो गए, चलो बाय 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 बाय, जा रही हूँ मैं, बाय 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 कर दो, बाय कर दो, चलो 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 जाएंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो नीचे दीदी रहती है, उनकी बेटी को थोड़ा सा घुमा रहे थे हमारे जाने के पहले। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो वट सावित्री की पूजा करके जा रही थी घर पे। वट सावित्री की पूजा एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं होती है, शायद किसी की डेथ हुई थी इसलिए तब से हमारे यहाँ पूजा नहीं की जाती है, तो इसलिए मैं भी इसका पास नहीं रखती हूँ। वो भी जा रहे हो घूमने, घूमने जा रहे हो वो भी, बाय बेटा, गुड बाय 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 बाय, चलो हम जा रहे हैं, जा रहे हैं हम, बाय बाय। यहाँ पर कुहू को बाय बोलकर हम लोग उसका रिएक्शन देख रहे थे, एक्चुअली वो क्या रिएक्ट करती है, तो देखिए उसका रिएक्शन। तो हम यहाँ पर पहुँच गए मम्मी के यहाँ, और देखिए मम्मी के घर पर हमारा तो कोई रुझपूछ नहीं है, बट कुहू की इतनी रुझपूछ है, और कुहू को लेके अंदर भी चले गए। लाड़ एक्चुअली पहला बच्चा है मम्मी के यहाँ पे, और मेरे ससुराल में भी मेरा पहला बच्चा है, तो हमारे यहाँ एक्चुअली पहला बच्चा है, तो कुछ ज़्यादा ही लाड़ होता है मैडम का, तो देखिए इसकी खातिरदारी कैसे की जा रही है। देखिए यहाँ मम्मी के चेहरे की खुशी कुछ अलग ही है, एक्चुअली मम्मी लोग तो बेटियों को देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और ये देखिए मैडम की खातिरदारी नाना और नानी के, आपने आम नहीं दिए ना, मम्मी ने आम दी इसलिए, बैठ जाओ बेटा। और यहाँ देखिए मामा भांजी की मस्ती, इतनी मस्ती और मामा की खुशी चेहरे पर, कुछ अलग ही खुशी थी। मतलब भैया तो एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे खुश हो जाते हैं कुछ जब भी आती है तो।
हेलो मम्मी, को किसके पास गए हो? तो यहाँ पर हो गई है रात, और रात में खा रहे थे खाना। एक्चुअली शॉपिंग करके आए थे हम लोग, और शॉपिंग करके आने के बाद में खाना वाना खा रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मम्मी ने कुछ ज़्यादा आइटम नहीं बनाया था, बस बनाए थे मम्मी ने रसमलाई, भजिए और पनीर की सब्ज़ी, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बनाया हुआ था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा समय हो गया था हम लोगों को। तो खाना खाते वक्त का मैंने सोचा चलो थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। यहाँ पर मैं भी बैठ गई थी खाना खाने। ये मामा भांजी की मस्ती, ये मामा हमेशा परेशान करता है। अरे भांजी करती है मामा कब है। और खाना वगैरह होने के बाद में देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे थे बड़े इत्मीनान से, आराम से, रिलैक्स होकर, क्योंकि खाना वगैरह हो गया था और सब लोग बातें कर रहे थे। तो भैया हैं जो कैमरे में देख के मुझे चिढ़ा रहे थे, और ये हैं मेरे मामा जी जो कि आए थे उसी दिन। और आज हम सडनली शॉपिंग करने गए थे। एक्चुअली शॉपिंग करने का कुछ भी मूड नहीं था, बट कुहू के लिए शॉपिंग करना था हमें। भैया के यहाँ शादी है तो लेना ही है सबके लिए, तो हम लोगों ने कुहू के लिए बस शॉपिंग की है आज। और देखिए यहाँ सब बैठ के इत्मीनान से बातें कर रहे थे एकदम रिलैक्स होकर। सो हेलो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा था आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। थोड़ा सा है सरप्राइजिंगली व्लॉग था मम्मी के लिए, मतलब सडनली हम लोग आ गए, बिना बताए आ गए, और मम्मी के पापा के चेहरे पे कुछ अलग ही खुशी थी, और कुहू के मामा के चेहरे पे भी बहुत अलग खुशी थी, बट वो हमारे लिए नहीं थी, वो खुशी थी कुहू के लिए, क्योंकि कुहू उनकी बहुत ज़्यादा चहेती है अभी। पहले मैं थी लेकिन अब कुहू का नंबर लग चुका है, तो कुहू बहुत ज़्यादा चहेती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो जाते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा था कुछ ऐसा था आज का व्लॉग, एकदम सरप्राइजिंग भी था। और हम लोग आने के बाद में थोड़ी देर बाद शॉपिंग के लिए चले गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सामने में शादी है, सामने दिनों के बाद में, तो शादी के लिए शॉपिंग करने गए थे हम। कुहू के लिए कुछ ड्रेसेस लेने गए थे तो वो हमने ख़रीद लिए हैं। मैं आप लोगों को शॉपिंग का जो व्लॉग है इसका नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी आपको कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। बस कुहू के लिए ही लिए हैं, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, और बहुत लेट गए थे तो बहुत टाइम हो गया था हमें, और अभी तो 12 बज रहा है। तो देखूंगी मैं एडिटिंग वगैरह अगर पॉसिबल हो तो करूंगी, और ये व्लॉग मैं आज थर्सडे यानी फ्राइडे को मैं अपलोड करूंगी। थोड़ा सा लेट अपलोड हो सकता है फ्रेंड्स, वैसे मेरे व्लॉग्स 12 से 1 के बीच में अपलोड हो ही जाते हैं, बट अगर ये थोड़ा लेट हो गया तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, और ज़रूर मेरे व्लॉग को देखिए, और पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। एंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे कि आप लोगों को मेरे नए वीडियोज़ एंड व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप इन्जॉयफुली देखते रहें। तो फ्रेंड्स मैं आज के व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।